लेट्स मूव द पेज नंबर 9। आ गया आप लोग स्वर। ओके द बिजनेस हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बिजनेस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इंडस्ट्री जो पीछे वाले लोग है ना स्किल नहीं देंगे कान बैठेंगे। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इंडस्ट्री रिलेटेड टू कंसर्न विद द प्रोडक्शन। इंडस्ट्री मीन्स फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या होता है कोई सामान बनाते हैं ना। प्रोडक्शन प्रोडक्शन होने के बाद लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कॉमर डिस्ट्रीब्यूशन। सो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन पार्ट कॉमर्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट। ओके इंडस्ट्री कारखाने क्या कर रहे हैं उत्पादन। कॉमर्स मार्केटिंग लोगों तक सामान पहुंचाना। तो गांव में गैस बाटले के बारे में सुना समझा है देखा है कोई तो लाने जाना पड़ता है ठीक है ना। या फिर एजेंट बोलेगा 40 रुपये 50 रुपये लूंगा तो लोग साइकिल पे जाते लेके एकदम लाती। बॉम्बे में घर घर पहुंचाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। आधा घंटे में पिज्जा नहीं आया तो पिज्जा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा रूल गांव में मिलेगा आधे घंटे के आधा घंटे में भी नहीं पहुँचेंगे ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। अमेजॉन कहीं जान फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे हो जाते सप्लाई अमेजॉन पर गांव का एड्रेस जानूंगा तो खासकर नॉर्थ साइड में पॉसिबल नहीं है। साउथ में मच बेटर है थोड़ा कनेक्टिविटी दैट इज पॉसिबल बट द नॉर्थ साइड ऑलमोस्ट ना बिकॉज ऑफ द रियल प्रॉब्लम ऑफ कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। ओके तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज नंबर 9 का लो। अरे द इंडस्ट्री मे बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। इंडस्ट्री डिवाइड टू टास्क कैटेगरी 3 कैटेगरी। ओके फर्स्ट इज अ प्राइमरी सेकेंडरी एंड द थर्ड टर्टरी। प्राइमरी इंडस्ट्री अ दो इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड ऑन एग्रीकल्चर। ऐसे इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता है। एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर मतलब मोदी खेती करना कृषि यादव कृषि एग्रीकल्चर। प्राइमरी इंडस्ट्री मीन द बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। स्टार्टिंग को देखा दीजिए प्राइमरी इंडस्ट्री कंसर्न विद द नेचर मिला कहीं से नेचर नेचर एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड ऑन नेचर। फिशिंग फिशिंग यानी मच्छी का मंगा है That is also nature because you need a natural pond chahiye, aapko river chahiye, ocean chahiye, sea chahiye, you know. Poultry and foresting. Jungle ke phool, phal, sab ikattha karna tabhi. Ye sab natural process hai. So primary industry is concerned with the nature. It is a nature oriented industry. Nature oriented means it is based on the nature. प्राइमरी इंडस्ट्री टोटिक्स बेस्ड होता है नेचर पे नेचुरल रिसोर्सेज पे। नेचर मतलब प्राकृतिक ना कुदरती। चलो मैं द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री में भी यूज एज अ इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। और जब प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी बनता रहेगा नेचर से जो भी मिलता रहेगा वो ऑटोमेटिकली सेकेंड इंडस्ट्री के लिए क्या आता है इनपुट। इनपुट
इनपुट एंड आउटपुट दैट इज टू वर्ड इनपुट दैट इज रॉ मटेरियल इनपुट म्हणजे रॉ मटेरियल कच्चे माल एंड आउटपुट फिनिश गुड्स तैयार माल लाइक अभी मैं बोलूँगा शुगर केन अब शुगर केन मतलब गन्ना तो गन्ना क्या है कच्चा माल है क्या इनपुट एंड शुगर क्या है आउटपुट फिनिश गुड्स कॉटन ये क्या है रॉ मटेरियल इनपुट एंड द क्लोथ क्या है फिनिश गुड्स आउटपुट इनपुट मतलब रॉ मटेरियल एंड आउटपुट मीन्स फिनिश गुड्स ओके सो द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्री मे बी यूज एज अ इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी का जो भी प्रोडक्ट होता है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए क्या आता है इनपुट प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर में जो भी होता रहेगा उसका यूज करके हम लोग फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं अभी चावल का खेती होता है कि धान का खेती होता है धान पेड़ी एंड धान पेड़ी हर राइस इन तो नेचुरली राइस बट पेड़ी सीड्स ठीक है ना उसके ऊपर उसके बाद जो कवर है छोटा है पूरा निकालने के बाद चावल आता है ना अब वो धान आ गया तो धान को फिर फैक्ट्री में इसको प्रोसेस करना पड़ता है प्रोसेस होने के बाद उसको पूरा भूसा निकालते हैं साइड में फिर उसके बाद चावल आता है ओके वैसे दाल डालने हमारे पास आ जाता है अगेन उस पर भी उसको जो कवर है कैप है वो रिमूव करना पड़ता है भूसा फिर हमारे पास आता है जैसा ताप होता है मिल के अंदर फैक्ट्री में होता है फर्स्ट पॉइंट ए पहला है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दिस इंक्लूड द फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ द लैंड फार्मिंग एंड कल्टीवेशन इन जमीन का यूज करके खेती करना खेती का प्रोडक्शन करना फार्मिंग एंड कल्टीवेशन मतलब खेती करना ओके द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द मेनी फैक्टर लाइक द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड क्लाइमेटिक कंडीशन रेनफॉल यस अब इंडिया इतना वास्ट कंट्री है ऐसा नहीं कि सारे जगह पे एग्रीकल्चर बराबर होता है सब जगह नो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर की फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन मिट्टी ज़्यादा अगर उपजाऊ रहेगा फर्टाइल रहेगा मोर क्रॉप्स क्लाइमेटिक कंडीशन मौसम अगर मौसम अच्छा है विंटर है तो क्रॉप ज़्यादा ग्रो होगा एंड है रेनफॉल बारिश और राजस्थान में बारिश ही कम होता है वहाँ पर एग्रीकल्चर इज नॉट सुटेड पॉसिबल नहीं है कहीं पर कुछ ज़्यादा ही बारिश हो जाता है वहाँ पे भी एग्रीकल्चर ज़्यादा पॉसिबल नहीं है तो दैट्स व्हाई दे वी नीड अ मॉडरेट और एवरेज रेनफॉल चाहिए हम लोगों को तो रेनफॉल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फर्टिलिटी ऑफ लैंड तीन पॉइंट डिपेंड करता है कोई भी एरिया में एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए है ना उस पर डिपेंड होता है पहला एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नेक्स्ट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री चलो मैं एक्सट्रैक्टिव जमीन को खुदाई करके डिगिंग करके अरे जमीन के अंदर से एक्सप्लोर करना माइंस खदान कोल ब्लॉक कोयले के खदान कोयले का उपद्रव होता है वो जमीन के अंदर है मिनरल्स आपने ज्योग्राफी में पढ़ा रहेगा भाई क्या क्या है बॉक्साइड एल्युमिनियम फिर कॉपर निकल तांबा पीतल जिसका जो भी है तो सब ऊपर नहीं होता आसमान में सब जमीन के इनसाइड है तो क्रश करके जमीन को डिगिंग करके खुदाई करके हमको निकालना पड़ता है दैट इज कॉल्ड व्हाट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री पेट्रोल डीजल यहाँ पे आता है पेट्रोल डीजल जमीन के अंदर वाटर अगेन उसमें भी जमीन के भी बहुत अंदर गहराई में आपको डिगिंग करना पड़ता है तो पेट्रोल के ब्लॉक्स मिलते हैं
ऐसा बड़ा उधर लो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री दिस इंडस्ट्री ड्रॉ आउट द प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द सॉयल एयर एंड वाटर सॉयल रिसोर्सेज एयर एंड वाटर जनरली द प्रोडक्ट इन द रॉ फॉर्म एंड दे आर यूज बाय मैन्युफैक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट रॉ फॉर्म रॉकेल रॉ ऑयल कच्चा तेल तो कच्चे तेल का यूज हम लोग करेंगे ना जमीन के अंदर से ऑयल प्रोड्यूस होने के आफ्टर दैट तो कोई आप अच्छी पिक्चर देखा है आप अच्छी रेमो पागल ओके बाकी कुमत गला कुमत भाई ओके ना अपना ह्यूमन बींग को फ्राई कर देता है ना वैसे आप लोग भी फ्राई हो जाएंगे वो ऑयल का यूज घर पर यूज़ करने लग गए तो क्योंकि ग्लास पड़ा है एक्सपोजिंग रखा उसमें उसको फिल्टर करके उसको रिसाइकल करने के आफ्टर दैट फिर ग्लास ले पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस ये सब प्रोड्यूस होता है सो जनरली द प्रोडक्ट आर इन द रॉ फॉर्म एंड दे आर यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश गुड्स नॉर्मली क्या होता है रॉ फॉर्म मतलब वो डायरेक्ट रॉ मतलब रॉ मटेरियल फॉर्म देता है उसका इंडस्ट्री क्या करता है यूज करता है एंड दे प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स अदर पीपल विल यूज फिनिश गुड्स सो द एक्सट्रैक्टिव लाइक द एक्सट्रैक्टिंग द ऑयल एंड मिनरल्स जमीन के अंदर से पेट्रोल डीजल को निकालना मिनरल्स कभी संभाल जो भी निकालते हैं फ्रॉम अंडरग्राउंड जमीन के इनसाइड फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री मतलब मछली फॉरेस्ट्री मतलब जंगल जंगल में फल को इकट्ठा करना ठीक है ना और उसके आप फल का यूज करके वो जैम बनाना चटाई बनाना चमक करते का लीफ का यूज करके हम लोग और बहुत सारे आयुर्वेदिक दवा भी होते हैं जंगलों में उसका यूज करना सो इट मे बी यूज एज अ क्रूड फॉर्म और मे बी सेम टू दादा इंडस्ट्री फॉर फर्दर प्रोसेस क्रूड फॉर्म क्रूड मतलब रॉ कच्चा उसका समझा ना फ्रूट्स है बहुत सारे फ्रूट्स हम लोग डायरी यूज करते कुछ फ्रूट होते हैं जिसका यूज हम लोग कोसे रबी आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ये अलग अलग फ्लेवर बनाने के लिए क्या होता है फ्रूट्स का यूज होता है ऑल दो एकदम ऐसा बोलेंगे वन के जी आइसक्रीम है जिसमें वन के जी पूरा नेचुरल फ्रूट यूज होता रहेगा कुछ केमिकल का यूज करके भी प्रोसेस होगा चलो मैं ये हो गया एक्सट्रैक्टिव एक्सट्रैक्टिव मतलब जमीन के इनसाइड डिगिंग करके आप ग्रो करते हो और फिशिंग ये सब किसके अंदर आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है एंड लास्ट वन है जेनेटिक इंडस्ट्री जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब मल्टी प्रोडक्शन जेनेटिक मीन्स मल्टी प्रोडक्शन और मल्टी प्रोडक्ट का होता है जितने भी लोग अंडे खाते हैं वो ब्रॉयलर मुर्गी ओ माय गॉड यार जो खाते हो तो दोनों में नहीं क्या पड़ती तो ब्रॉयलर मुर्गी ये सब मशीन से बनी है बिना का नेचुरल मल्टी प्रोडक्शन नेचुरल रोज का और आज रेड कलर और आज एक तो वाइट कलर वायलेट कलर येलो कलर पिंक कलर ओके ये सारे इतने मल्टीपल कलर के रोज हाई डू प्रोड्यूस जेनेटिक इंडस्ट्री नेचुरल जी का जो काम कर लो रोज है उसके जेनेटिक जीन्स का यूज करके ब्रीड हाइब्रिड करते हैं हाइब्रिड करके मल्टीपल प्रोडक्शन आता है उसका सो जेनेटिक इंडस्ट्री आर इंगेज द रीप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स रीप्रोडक्शन अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस कर रहा है मल्टी प्रोडक्शन अभी हाँ भाई हाँ बिहार में किसका डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर उधर पे मुजफ्फरपुर में आपका मैंगो का ट्री प्लांट मोस्ट प्रॉबली वन मीटर वन एंड हाफ मीटर तक रहेगा कितने रहेगा और एक एक प्लांट के अंदर
100 केजी वन ना हाँ 150 केजी तक पड़ता था मैंगो का, तो दैट मीन्स कम प्लेस पे भी आपको आराम से लगा, अगर कोई भी एक फार्मर है इसका छोटा केजी भी है, 5-6 प्लांट भी किया लगा था 500-600 केजी इसको मैंगो का प्रोसेस हो जा रहा है, तो दैट इज अ जेनेटिक हाइब्रिड बीज और सीड्स का यूज करना, दैट्स अ जेनेटिक पार्ट। एनिमल हस्बेंड्री, अब एनिमल हस्बेंड्री गोड सीड के इसको ग्रो करना एंड इसको फिर सप्लाई करना सोल्ड करना, और सीड का यूज किया तो मल्टी प्रोडक्शन है, मल्टी बेनिफिट भी है। क्या है सिर्फ एक तो आपको ऊन मिल जाएगा ना, वुलन क्लॉथ तो ऊन बनाने के लिए काम आएगा, बहुत लोग अरे चिकन मटन में भी यूज करते हैं, मटन में भी करते हैं सिल्क का, करते तो करते भाई, इंसानों से ज़्यादा कोई जानवर है क्या, हम तो हर चीज खाते हैं, थैंक्स टू द चाइना वाले वांग जी आगे आगे पानी लोग वांग जी का पीछे हम लोग का पीछे वो बात अलग है। चल तो एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, रेशमी कीड़े, अभी रेशम के साड़ी बनाना क्या नाम, कांचीवरम साड़ी क्या नाम, अभी रेशमी कपड़े सिल्क के साड़ी, सिल्क साड़ी मिलते समझो क्या नाम, ये सब क्या उसके नेचुरल रेशम की खेती होता है क्या नाम, उसके वो धागा मिलता है तरीका सेरिकल्चर, रेशम का उत्पादन करना सेरिकल्चर, एंड देन है हॉर्टिकल्चर फ्लावर, तो फ्लावर का प्लांटेशन, फूल की खेती करना, ये सब है जेनेटिक इंडस्ट्री का, इसके अंदर मल्टी प्रोडक्शन होता है। ये हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री, तो प्राइमरी इंडस्ट्री डिवाइडेड टू थ्री पार्ट, वन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये वो भी डिपेंड ऑन द नेचर, एक्सेप्टिव एक्सप्लोरिंग ऑफ क्रसिंग फ्रॉम द ग्राउंड अंडरग्राउंड, एंड जेनेटिक इंडस्ट्री इज द वेयर द मल्टी प्रोडक्शन इज देयर, ओके तो ये क्या फर्स्ट ए पार्ट, उसको पॉज कर तो पढ़ने, चलो आप आगे रीड कर दोस्तों, ले ली नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द प्राइमरी इंडस्ट्री, इट मीन द वट एवर द फर्स, क्या होता है ना पैसा कामया भाई मेरा ली डिपेंड इज द नेचुरल रिसोर्स का, नेचुरल रिसोर्सेज इसकी हेल्प से क्या होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री से सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी से टर्टरी, इट मीन्स ये नेचुरल रिसोर्सेज इज द रॉ मटेरियल फॉर प्राइमरी, ये नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है वो प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होता है, ये लोग ने जो भी बनाया रहेगा ये इन लोग के लिए क्या होता है रॉ मटेरियल, ये कॉलर सही है एक्चुअल टेरिटरी को तो साइड में रख दो छोड़ दो खाली इतने पकड़ो, सो नेचुरल रिसोर्सेज इज द रॉ मटेरियल फॉर प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन व्हाटएवर हुआ रहेगा वो रॉ मटेरियल किसके लिए रखा है सेकेंडरी, इट यू कैन से सेकेंडरी इंडस्ट्री डिपेंड ऑन प्राइमरी का डिपेंड ऑन नेचुरल, अ कंट्री वेयर द नेचुरल रिसोर्स आर अबंडेंट यूज है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा रहेगा उस कंट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री भी जाएगा ज़्यादा रहेगा भाई, और फिर जो अगर प्राइमरी इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है तो लॉजिकली सेकेंडरी इंडस्ट्री ग्रो, अ कंट्री वेयर द नेचुरल रिसोर्सेज आर लेस स्केयर, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कम है तो ऑटोमेटिकली प्राइमरी इंडस्ट्री भी लेस रहेगा और फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री भी कम रहेगा, लाइक इंडिया वी हैव लेस नेचुरल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वाइज, आई एम सेइंग इतनी बड़ी हमारी आबादी है उसके बारे में नेचुरल रिसोर्स हमारे पास लेस है, तो नेचुरल रिसोर्स है तो लॉजिकली प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी ग्रोथ विल भी लेस है, अदर कंट्री अमेरिका एंड चाइना दे हैविंग द ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज
also automatically these industries will be grow much better than in India. Let's go to the secondary industry. सब जाग रहे हैं। हाँ। These industry depend on the primary industry. They convert the raw material provided by the primary industry to finished goods. Yes. प्राइमरी इंडस्ट्री जो भी प्रोड्यूस होता रहेगा वो सेकेंडरी के लिए क्या रहेगा, रॉ मटेरियल रहेगा। और फिर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को क्या करता रहेगा, फिनिश्ड में कन्वर्ट करता रहेगा। नेचुरल रिसोर्सेज द रॉ मटेरियल फॉर प्राइमरी, वो नेचुरल रिसोर्स यूज करके प्राइमरी इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगा। वो जो का प्राइमरी का जो फिनिश गुड्स होता है वो सेकेंडरी के लिए क्या रहेगा, क्या रहेगा, रॉ मटेरियल रहेगा। प्राइमरी इंडस्ट्री का जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ रहेगा ये गुड्स कहाँ पर सप्लाई करते हो लोग, सेकेंडरी। फिर इन लोग का फिनिश गुड्स सेकेंड वाले लेक के लिए क्या आएगा, रॉ मटेरियल। एंड दैट इज प्रोड्यूस सर टर्टरी, टर्टरी की काउंट ही मत करो। टर्टरी का ज़्यादातर काम का डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट का, तो लोग क्या करते लोगों का मार्केट में पहुँच कर क्या सप्लाई करने का काम करने वाले। Like the tomato provided by the primary industry are used for making a sauce and ketchup. Tomato, primary industry. अब primary industry tomato आने वाला है, tomato ketchup, tomato sauce जो बन रहा है। Potato, primary industry. अब potato का chips, बालाजी chips, हल्दीराम भुजिया, ये ना? आलू, shake, shake. क्या है? आलू का छुला सर। सेकेंडरी इंडस्ट्री डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्राइमरी में थ्री पार्ट था, एग्रीकल्चर एक्सट्रैक्टिव एंड जनरली। सेकेंडरी इंडस्ट्री टू पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। दीज इंडस्ट्री आर इंजीनियरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड हैंड पावर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या, ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, चेंज द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड मैन पावर। अरे वो मैक्टर मैम में जानते थे क्या भाई, तो क्या आलू का क्या था, वो तो अपन भैया लोग घर में भुजिया बोलते हैं आलू का, मम्मी क्या बनाते हैं मस्त। हाँ सर, अच्छा लगता घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर की दाल लगती क्या मुर्गी, हाँ मम्मी बनाते अच्छा ही नहीं बनता। नहीं वो लोग किधर जाके वही 50 रुपये का लेते हैं बोला, और थोड़ा तो देता है सर मेरे को आता है बनाने। तो मस्त यार, प्लास्टिक का मैगजीन और बैग ले, पैकेट पाउच में देगा, तो अरे एकदम चट्टी का पाउच दे देगा, क्या टेस्ट मम्मी बनाई भाई, मशीन एंड पावर। तो लोग का देखो तो हम लोग की मम्मी तो कढ़ाई में बनाएगी ना, तो लोग का बड़ा मशीन होता है एकदम, तो मशीन एंड मैन पावर। सो फाइनल गुड्स मे बी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मीन टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, मनुष्य की चाहत को पूरा करना, खाने पीने की चीजें, तड़ी का कंज्यूमर गुड्स। FMCG बोलते इसको, फास्ट मूविंग कंजम्पशन गुड्स, खाने पीने की चीजें। आजकल का जो ट्रेडिशन चेंज हो गया है, रात को खाने का टाइम आएगा तो लोग खाने पर जाएंगे, खाना खाने के बाद जाएंगे आइसक्रीम खाने ना, वो मूड चलता रहना चाहिए 24 घंटा। रात को भी पता नहीं सोते कैसे भाई, वो लगता है कुछ ये हाइप डाल देते लिक्विड करके पीते रहते। तो लोग तो कंज्यूमर गुड्स होते खाने पीने के चाहिए, अंदर कैपिटल गुड्स होता मशीन विच यूज फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस।
तो कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी विच कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन के लिए, तो मेजोरिटी वर्ड में मशीन, तो मशीन है क्या कैपिटल गुड्स। मशीन का यूज क्या करेंगे हम लोग बिजनेस करने के लिए और फॉर द प्रोडक्शन करने के लिए। अभी कंप्यूटर प्रोडक्ट कंप्यूटर की जो कंपनी है और कंप्यूटर प्रोड्यूस कर लिए, अब बच्चे लोग या जो भी पब्लिक या कंप्यूटर लेके आते हैं क्या सीखने के लिए, और सीखते क्या होता है पब्लिक के अंदर बिजनेस का है क्या कुछ सीख सकता है। लैपटॉप बिजनेस के लिए मेजोरिटी यूज करते लोग। आपके स्कूटी उसके स्कूटी चलाने आया तो 15,000 का जॉब मिल जा रहा है। जोमेटो स्विगी वगैरह। द फाइनल गुड्स मे बी द कंज्यूमर कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स लाइक टेक्सटाइल शुगर पेपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। टेक्सटाइल मतलब क्लोथ इंडस्ट्री, हेलो कपड़े हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 200 मीटर 500 मीटर में देखा है कपड़े परचेस करूँगा मैं, और फिर क्या करूँगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टी शर्ट और शर्ट ये सब बना के फिर क्या करूँगा फिर सेल करूँगा। ये क्या है मेरे लिए क्लोथ कैपिटल गुड्स हो गया। एक बार मैंने क्लोथ खरीदा और क्लोथ का फिर मैंने उसको टेलरिंग वर्क, आफ्टर टेलरिंग वर्क मैं डिफरेंट डिफरेंट साइज का वो है ना एडिडास सुने रहो एडिडास नाइकी स्पोर्ट्स वेयर ये लोग क्या है कपड़े खरीद के लेके आए कपड़े के बाद में वो डिफरेंट डिफरेंट टी शर्ट एंड क्या बोलते भाई ट्राउजर और क्या बोलते भाई भाई जर्सी जर्सी शर्ट ओके तो दे प्रोड्यूस। मैं आ रहा आपने क्या वर्ड बोला रहा। अब शुगर इंडस्ट्री तो शुगर डायरी पब्लिक यूज कर सकता है, और जो स्वीट्स की दुकान वाले जनता स्वीट जस्ट लो दोनों स्टेट्स का यूज कैपिटल गुड। कैपिटल गुड मतलब उसका मैं फर्दर बिजनेस करने के लिए यूज करता हूँ। कंचू 50 किलो चावल लेके आए दूसरा फल इनका बिजनेस करने के लिए है, तो राइस सेलों के लिए क्या हो गया कैपिटल गुड। हमने घर पे चावल लेके आया 20 किलो 10 किलो क्या हो गया कंज्यूमर गुड्स। सेल्फ यूज के लिए आप कर रहे हो तो कंज्यूमर गुड्स, फर्दर बिजनेस करने के लिए करते हैं उसको कैपिटल गुड्स। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलो मैं कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डैम रोड कंस्ट्रक्शन मेट्रो कंस्ट्रक्शन रेलवे कंस्ट्रक्शन ब्रिज कंस्ट्रक्शन ये ऑल कॉल्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री आर इंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डैम ब्रिज रोड टनल। व्हाट इज अ टनल अभी मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जा रहा है तो टनल अंडरग्राउंड वाटर के अंदर से जाएगा आपको बाहर कंपाउंडर का तो टनल मीन्स ऊपर ऐसा पूरा पानी पानी है इनसाइड द ग्राउंड है। ये जमीन है ये भी जमीन है पर यहाँ पे पूरा पानी है तो ब्रिज बनाना यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर नया टेक्नोलॉजी अगर भी कर तो अभी क्या आएगा वो अंदर से टनल के अंदर आई गॉड पानी अगर भर गया तो वो पहन जाऊंगी मैं जाऊंगी। ऐसा सोचते तो गांव से तो आते नहीं थे गांव से भी तो गुफा आते रहता है डरते थे कभी वो पूरा पहाड़ नीचे बैठ गया तो डर के आगे जीते भाई। चलो टनल कैनाल मेट्रो एक्सेट्रा कैनाल नहर अभी यूपी में तो बहुत सारा अभी रिवर है रिवर पे नहीं रहे रिवर पे डैम कंस्ट्रक्ट कर लिए और इसके वाटर को डिफरेंट डिफरेंट एरिया में सप्लाई करना तो सीमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हो नाली का नहर नहर अरे आधा यूपी तो तुम यादों ने खरीद रखा है तब क्या कर सकते हम लोग ओके ना फ्रेंड्स तो मुलायम यादव है अंग्रेज यादव बुलाना जाए
शुक्र है हम लोग भी बड़े जब याद योगी यादव और थोड़ा एक दूसरे की योगी ने आदित्य देखने के बाद और करके ना सर योगी सही है बस चलो भाई इन केस ऑफ द अदर इंडस्ट्री गुड्स कैन बी प्रोड्यूस एट वन प्लेस एंड सोल्ड टू अदर प्लेस बट गुड्स मेड एंड सोल्ड विद दीज इंडस्ट्री आर एट वन प्लेस इट इज व्हाट मेजॉरिटी इंडस्ट्री क्या होता है इंडस्ट्री एक ही जगह पर लोकेट होता है ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री आज यहाँ बनाया कल उधर बनाएगा ये ना शिफ्टिंग टू द अदर प्लेस है इट प्रोड्यूस एट वन प्लेस एंड देन सप्लाई टू द डिफरेंट लोकेशन दिस द ओनली इंडस्ट्री विच क्रिएट द इमूवेबल व्हील इमूवेबल व्हील मूवेबल मतलब ट्रांसफरेबल इट कैन बी ट्रांसफर का वन प्लेस टू अदर प्लेस इमूवेबल मतलब एट अ फिक्स्ड प्लेस और बड़े बड़े मशीन तो बड़े बड़े मशीन क्या है प्रोड्यूस तो हो गया लेकिन बाद में क्या होता है क्या उस पर एक जगह पे आपको फिट करना पड़ेगा उसके पार्ट और रोड कंस्ट्रक्शन रोड तो बन गए लेकिन रोड को बना के और लेके जाएंगे क्या नहीं नहीं आप लोग इधर का अंधेरी कुर्ला का ये जो है घाट पर का मेट्रो था उसके बड़े बड़े जो ब्रिज ऊपर का था उसका स्लैब बड़े बड़े क्रेन से ला के उस पर फिट करना पड़ता था तो स्लेब का जो वेट होता है वो थोड़ा हल्का था इसको पॉसिबल था लेकिन जो पिलर है पिलर का कंसेप्ट तो वहाँ पे इस प्लेस पे रहेगा कैंडा भी मूव टू दादर प्लेस ऐसा था बॉम्बे में रोड बना के और रोड उठा के लेके जाके ना अपने गांव में डाल देते कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आप बिल्डिंग यहाँ से बना लेते और अपना इधर बिल्डिंग उठा के लेके जाके 15 फ्लैट का बिल्डिंग 15 फ्लोर आप अपने गांव में डाल देते हैं सब क्या है इन कन्या भी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बस ये तो क्या आ गया सेकेंडरी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक बार इनको देखो मेरी फास्ट बट यहाँ पहले देख ना बट चलो नेक्स्ट चल लास्ट वन टेरिटरी इंडस्ट्री नॉर्मली टेरिटरी इंडस्ट्री मतलब सर्विस इंडस्ट्री टेरिटरी मीन्स सर्विस ट्रांसपोर्ट बैंकिंग इंश्योरेंस टूरिज्म ये सब सर्विस इंडस्ट्री है दे प्रोवाइड द सपोर्ट सर्विस टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सपोर्ट सर्विस अब ये इधर का काम क्या है प्रोडक्शन करना आफ्टर प्रोड्यूसिंग इसको लोगों तक सप्लाई करने का काम क्या है दे आर सपोर्टिंग अगर ट्रांसपोर्ट है सप्लाई चेन नहीं रहेगा तो क्या आएगा उनको हर चीज़ लाने के लिए क्या जाना कहाँ जाना पड़ेगा फैक्ट्री में जाना पड़ेगा पार्ले जी खाना है तो पार्ले पर चलो भाई बाजू में पार्ले है क्या हर चीज़ का फैक्ट्री बाजू में है क्या नहीं इज नॉट पॉसिबल थैंक्स टू द टेरिटरी सेक्टर कि दे आर द लिंक टू द पब्लिक एंड द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतनी भी इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री और लोगों के बीच की कड़ी है लिंक है कौन टेरिटरी ये है दिया सप्लाई चैन दे प्रोवाइड द सपोर्ट सर्विस टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री द सर्विस फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड बाई दीज इंडस्ट्री सर्विस फैसिलिटी देर आर सेलिंग एनीथिंग दे गिविंग द सर्विस टू योर पीपल आपने ऑर्डर किया और ये सभी ऑनलाइन का है ठीक है ऑनलाइन है हम मोबाइल पर बैठ के आपने ऑर्डर किया तो ऑर्डर तो भूतर नहीं रहेगा ना वहाँ पे जो एप्लीकेशन ऐप यूज हो रहा है ठीक तो ये एप्लीकेशन ऐप क्या है सर्विस ओके आपने बुक कर दिया फिर वो गुड्स को लोग पैक करते रहेंगे पैक करते फिर वो जो भी ट्रांसपोर्ट का यूज होता है और ट्रांसपोर्ट पे लेके जाना फिर वहाँ से फिर सप्लाई करना और फिर डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर जो रहेगा एजेंट वो घर पे आके होम डिलीवरी करके जाते तो ये पैकिंग करना ट्रांसपोर्ट पे लेके जाना फिर होम डिलीवरी करने के लिए एजेंट अप्लाई करना इसको वर्ड होते हैं लॉजिस्टिक और अगर लॉरी ट्रक पे लिखा था लॉजिस्टिक पे लिखा है क्या होना है नहीं सुने ना बॉम्बे कैमरे सुने हो बॉम्बे कैमरे स्कूल देखे हो तो
उस रूट पे जाना और 5-6 लॉरी ट्रक तो रहते ही है, उस पर लिखा रहेगा लॉजिस्टिक। और बॉम्बे कैम्ब्रिज के लाइन में जाओगे ना तो रहेगा मोनोपोली लॉजिस्टिक। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल है। तो लॉजिस्टिक का काम क्या होता है, पैकिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना और फिर ट्रांसपोर्ट करके फिर लोगों तक सप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक। ये सब क्या आ गया, टर्टरी सेक्टर। इट इंक्लूड द ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग विच कम अंडर द ट्रेडिशनल कैटेगरी इन द मॉडर्न टाइम्स, होटल इंडस्ट्री। और ये ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग का हो गया अदर देन होटल इंडस्ट्री। आज स्लोली स्लोली आज वो पहले तो लास्ट 20 ईयर में बर्थडे बनाने का जो फैशन है, बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेशन। कहीं मम्मी पापा से पूछा कहीं बर्थडे मनाए थे, कितने मम्मी पापा को तो बर्थ डेट नहीं मालूम है, वो तो पैन कार्ड तो ओरली डाल दिए हैं ना। बर्थ डेट जिसको नहीं मालूम बर्थडे क्या मनाए भाई। ओके सेकेंडली अगर बर्थडे मालूम हो जब मेरे मम्मी पापा तुमको तो मालूम नहीं, अगर मेरा बर्थडे मान गए तो आप लोग बर्थडे क्या था मनाने का कौन, तो बर्थडे जिसने खाया घर में ही। सर आपका भी नकली बर्थडे की असली बर्थडे। मेरा असली बर्थडे नहीं की बात कर रहा हूँ, लेकिन बर्थडे हमने कभी मनाया नहीं। बट जिस दिन बर्थडे रहता था मम्मी उस दिन आ घर में ही कुछ वही खीर उ बनाने चल रहा। और आजकल आप फिर आज की जनरेशन बर्थडे जिस दिन रहेगा बाहर मनाने का, बाहर मनाने का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, चलो बाहर खाना एक दिन बाहर रहने लगे। तो ये सब सिस्टम आ गया। गाँव जाते थे तो पहले और घर से खाना टिफिन बनवा के लेके जाते थे भाई, अब तो ऐसा बनाते थे कि दो दिन चलना चाहिए भाई। अब कौन टिफिन लेके जाएगा भाई, कहीं पे ऑर्डर करेंगे अपन खाना का, ऑर्डर करेंगे हाँ वो दाल और दही ऐसा तो बच्चे ने ओमिटिंग किया है। सर आपको पता है मेरे भाई ने सीख चला समोसा जिसमें सिर्फ आलू का छिलका था, वो नहीं खा क्या थी उन्होंने खा दी सर ट्रेन का। सो होटल इंडस्ट्री टूरिज्म कले मुंबा देवी दुदानी अजीत दरगाह, कभी गांव 5 साल में 6 साल में एक बार कभी गांव जाते थे तो भाई यात्रा शुभ होना चाहिए सब ठीक से जाए तो मुंबा देवी और काली मैया भाई दर्शन करके आ जाए भाई जान के ले जाओ। अब तो हम हमारे साल में 2-3 ट्रिप मार ही लेते हैं। टूरिज्म साल में एक बार दो बार या 2 साल में एक बार शिरडी चले जाते लोग टूरिज्म, क्योंकि आजकल जाता था मुंबा देवी और मंदिर भाजी के आगे सेल्फी पॉइंट हो गए हैं और नहीं भगवान तो दूर हो गए अभी खाली सेल्फी पॉइंट बन गया है। चुप रहेगा कोई एग्री नहीं हुआ ना तो भी मैं बोलता ही हूँ जो सच है। चलो ऑर्डर टूरिज्म इंडस्ट्री तो ये भी ग्रो रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री। इंटरनेशनल इंडस्ट्री तो आगे क्या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भाई बॉलीवुड सर्कस। मैंने अपने करियर में एक बार ही कल 11 पिक्चर देखनी थी मतलब थिएटर में, फिर उसके बाद कभी आए उन्हें पर ही मिला। और आजकल तो लोग आए ना सूरज हर महीने में थिएटर पढ़ाई करते हैं बैंगलोर में बैंगलोर पढ़ाई करते बहुत सारे लोगों वाला भी दिल्ली एम्स एम्स भी सुनिए इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। अपने यूपी बिहार में ऐसे हॉस्पिटल बहुत कम है ना, तो जिसको क्या बोलते हैं हम लोग बड़ी बीमारी कुछ है तो लोग दिल्ली जाएंगे महीना बाद 2 महीने के लिए भाड़े पर रूम लेके रहेंगे क्योंकि अप एंड डाउन कौन रहेगा। तो दादी ये सब क्या है, वैसे अभी मैंने आपको परसों बोला चेन्नई में अपोलो हॉस्पिटल है
जहाँ पे अस्थमा का पेशेंट हो जाते हैं, इंडिया के दूर दूर से आते हैं। बेंगलोर में हॉस्पिटल है, 15 साल पहले पाकिस्तान से लड़की आई थी, छोटी सी लड़की 5 साल की थी, दिल में सुराग था, उसका ऑपरेशन है बेंगलोर में हुआ। इस तरह से बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल फैसिलिटी के लिए आते लोग। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पे। या और यही बीजेपी की गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी करते, इसको अरे आजकल हिंदुओं का पार्टी बोलते लोग, और वो पाकिस्तान से लड़की आई और उसकी मामले हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पे पूरा इलाज करके भेजा। होता है इंडिया में हमारी मेंटालिटी वैसा है ना, तो दैट इज क्या है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल का क्या है, टेरिटरी सेक्टर में आता है ऑल द सर्विस, हॉस्पिटल, एजुकेशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, ऑल द क्या होता है, म्यूजियम, म्यूजियम, जू, नेशनल पार्क, बरौली, जीजा माता उद्यान, हाँ भाईकल्ला में, भाईकल्ला बॉम्बे सेंटर, या टर्बी इंडस्ट्रीज, ओके, पहला बस।